हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपकी सविता मैम आपको हिंदी ग्रामर में विशेषण और उसके भेद बताऊंगी। आप इससे पहले संज्ञा, सर्वनाम की परिभाषा और उसके जितने प्रकार हैं जिनके भेद हैं उसके बारे में पहले से ही आप पढ़ चुके हैं, तो आइए आज शुरू करते हैं। सबसे पहले है विशेषण की परिभाषा। विशेषण होता क्या है? देखिए, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताए या प्रकट करे उसे विशेषण कहते हैं। किसी की भी विशेषता, जैसे काली गाय, सुंदर लड़की, कुछ धन, बनारसी साड़ी, है ना, इसमें हर जो भी शब्द है उसमें एक विशेषता है। गाय है वो काली है, लड़की सुंदर है, धन जो है वो कुछ है, और साड़ी जो है बनारसी है। ये इसके उदाहरण हुए। अब आते हैं इसके भेद कितने हैं। ठीक है, भेद में आता है, इसके 6 प्रकार के भेद होते हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण, प्रश्नवाचक विशेषण और व्यक्तिवाचक विशेषण। पहला है गुणवाचक, है ना, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का गुण प्रकट करे, जिन शब्दों से गुण का पता चले वो होते हैं गुणवाचक। फिर आता है परिमाणवाचक। परिमाणवाचक का मतलब होता है नापतोल से, है ना, कोई कितनी मात्रा में कोई चीज़ है हमारे पास, वो होता है परिमाणवाचक। संख्यावाचक यानी जिससे संख्या का पता चले संज्ञा या सर्वनाम की, संकेत होता है संकेतवाचक, यानी संकेत किया गया है किसी की तरफ, है ना। नेक्स्ट है प्रश्नवाचक, जिसमें प्रश्नवाचक शब्दों का इस्तेमाल होता है। व्यक्तिवाचक, किसी व्यक्ति विशेष के लिए, ये वो विशेषण है। इसके बाद हम इसे थोड़ा डिटेल में चलते हैं। जैसे है हमारा पहला गुणवाचक, इसकी मैंने थोड़ी थोड़ी ओपनली आपको डीपली बताया है इसमें, कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का गुण प्रकट करते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं, जिससे गुण प्रकट हो। जैसे यह अच्छा लड़का है, तो लड़का कैसा है? अच्छा, इस लड़के के अंदर ये अच्छा ही है, तो इसीलिए ये गुणवाचक विशेषण की श्रेणी में आ जाता है। दूसरा है हमारा परिमाणवाचक विशेषण, यानी जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की नाप तोल का ज्ञान हो उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 5 किलो दूध, कुछ धन आदि, है ना, इसमें मात्रा आई है। जैसे दूध 5 किलो है, धन कुछ है। इसके बाद आता है संख्यावाचक विशेषण, जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की संख्या का बोध हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 5वीं कक्षा, 3 अवस्थाएं आदि। कक्षा कौन सी है? 5वीं, ये संख्या है। अवस्थाएं 3, ये भी संख्या है, ठीक है ना। इस तरह फिर अगले विशेषण पर चलते हैं। चौथा है बच्चों हमारा संकेतवाचक विशेषण। संकेतवाचक विशेषण है, इसमें है कि जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की ओर संकेत किया जाए, है ना, जिनमें संकेत किया जाए संज्ञा या सर्वनाम की तरफ, उसे हम संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे यह मेरी किताब है, हमने संकेत किसकी तरफ किया? किताब की तरफ, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि यह संकेतवाचक विशेषण की श्रेणी में आता है। पांचवा है हमारा प्रश्नवाचक विशेषण। ये तो बहुत ही आसान सा है, इसमें है कि जिन प्रश्नवाचक विशेषण कि जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताकर प्रश्न पूछे वो प्रश्नवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे इसमें है कि इसमें कौन सा लड़का ईमानदार है? ईमानदार तो है, विशेषता तो बताई है पहले से, लेकिन कौन सा है, है ना, इस तरह का इसमें क्वेश्चन किया गया है, तो इससे पता चलता है कि ये प्रश्नवाचक विशेषण है। छठा है हमारा व्यक्तिवाचक विशेषण, यानी कि जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट की जाए, है, तो उसे व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। किसी की व्यक्तिवाचक विशेषण, एक तरह से कैसे जैसे संज्ञा में है ना व्यक्तिवाचक संज्ञा, बिल्कुल सेम उसी की तरह है ये हमारा व्यक्तिवाचक विशेषण। जैसे एग्जाम्पल है हमारा इलाहाबादी अमरूद। अमरूद कौन सा है? इलाहाबादी है, इसका नाम है व्यक्ति विशेष पे, है ना। साड़ी जो है बनारसी है, है, बनारस एक शहर का नाम है, व्यक्तिवाचक विशेषण उस संज्ञा में भी आता है और विशेषण में भी। तो हमारे इस तरह के उदाहरण आएंगे, है। तो इसमें क्या है, आप इसके सारे जितने प्रकार बताए भेद उनको याद कीजिएगा, और डिटेल में भी मैंने आपको समझाया है, तो ये सारा देख लेना। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें।